क्या स्थिति इस वक्त? ट्रैक्टर रैली की शुरुआत हो चुकी है। जिंदाबाद दीपक। तो शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जरा तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से यहाँ ट्रैक्टर जो है वो खड़े हैं। कुछ लोग तो अपनी पर्सनल गाड़ियों से भी वहां पर पहुंचे हैं और किसानों का ये एक साफ संदेश है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई सरकार के द्वारा तो अब वो आगे ऐसी ही रणनीति करने वाले हैं। 26 जनवरी को भी वो ऐसे ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए, अलग अलग बॉर्डरों पर जो किसान जुटे हुए थे उन्हें दरअसल पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर मिलना था और वहां से ही इस ट्रैक्टर रैली की शुरुआत देखिए हो चुकी है और एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश यहां पर किसानों की सरकार को के लिए है। और बड़ी बात इसमें यह है कि कल देखिए मुलाकात होनी है केंद्र सरकार और किसानों के बीच, नौवें दौर की कल मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि सकारात्मक दिशा में ही बातचीत आगे बढ़ रही है। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आप जहां पर हैं वहां से तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें अर्पिता यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए इस वक्त मैं एक ट्रैक्टर पर मौजूद हूं। ट्रैक्टर ड्राइवर जो है पिछले आधे घंटे से एक ही जगह पर रुके हुए हैं। मैं आपको यहां की तस्वीरें यहां पर दिखा देना चाहता हूं। मेरे क्या वीडियो जर्नलिस्ट अजय लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहां पर केवल आपको जहां भी कैमरे की लेंस जाएगी आपको केवल और केवल ट्रैक्टर ही दिखाई देगा। और जिस तरीके से किसान नेताओं ने पहले दावा किया था कि ये एक झांकी होगी 26 जनवरी से पहले, ठीक वैसी ही झांकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये अभी भी हम ईस्टर्न पेरिफेरल पर नहीं चढ़ पाए हैं। 10 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है अभी का यहाँ पर और इस वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल पर लंबा जैम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हर तरफ, जो किसान है उनके हाथों में झंडा है और वो लगातार देशभक्ति की गाने बजाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है यहाँ पर स्ट्रेच इतना ज़्यादा है, इतना लंबा है ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, जिसके वजह से जो वो लगातार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा अर्पिता, ये देखिए लंबा स्ट्रेच, जिधर भी आप जाएंगे केवल आपको ट्रैक्टर ट्रॉली ही नज़र आएगा और ये 10 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है अर्पिता। जैसा किसान नेताओं ने दावा किया था ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है अमित, रहिए जरा आप टिकरी बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। दीपक है वहां पर, दीपक। और पिता ये तस्वीरें हैं पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की, जब आप देख रहे हैं कि तमाम ट्रैक्टर जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ जो एक्सप्रेसवे है उसके दोनों तरफ जो है वो ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ की जो साइड से वो बंद की तरफ से और पुलिस की तैनाती भी है। लेकिन इस बात को लेकर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर्स हैं वो दोनों तरफ से, चाहे सिंगू बॉर्डर हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, दोनों तरफ से ट्रैक्टर्स की जो जत्था है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई किलोमीटर लंबा ये जत्था है। सिर्फ अगर बात की जाए टिकरी बॉर्डर की, तो टिकरी बॉर्डर से हमने देखा है कि करीबन 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जत्था है जो कि आगे बढ़ा है और अब ये सिंगू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। तो कई काफ़ी बिल्कुल तो ये तस्वीरें दीपक जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जी जी बोलिए। दीपक तो शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही, जरा देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात है, किसी तरीके की स्थिति वहां बिगड़े ना इस पर नजर रखी जा रही है। एक तरफ देखिए किसान ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार उनसे भटकाव के रास्ते से वापस आने की नसीहत दे रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से विरोध की बजाय बातचीत पर भरोसा करने की अपील की। हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए, सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं
सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भारत सरकार है वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर बातचीत से ही हल निकलेगा, इसलिए सिर्फ प्रोटेस्ट करना या विरोध करना ये एक समाधान नहीं है। तो जिस तरीके से देखिए किसान पूरी तरीके से तैयार हैं, आज ये ट्रैक्टर रैली निकल रही है और किसानों का कहना है कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता तो ऐसे ही जमे रहेंगे और लगातार उनकी ऐसी ही योजना रहेगी। 26 तारीख को भी वो कह रहे हैं कि ऐसे ही ट्रैक्टर रैली निकालने की उनकी योजना है। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दीपक। जी अर्पिता, साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं एक्सप्रेसवे की, जहाँ पर लगातार ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की तरफ ये ट्रैक्टर बढ़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ की जो सड़क है एक्सप्रेसवे की वो इस वक्त बंद कर दी गई है, क्योंकि साफ तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने कह दिया था कि जब ये रैली शुरू होगी 11 बजे के आसपास को शुरू होना था, तो दोनों तरफ की सड़कें जो है बंद कर दी जाएंगी। सिर्फ ट्रैक्टर यहाँ पर जा पा रहे हैं और ये देखिए पुलिस की भी मुस्तैदी है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि ये देखा जाएगा कि किसी प्रकार की हुड़दंग ना हो, किसी प्रकार की किसी को कोई चोट ना है, इस तरीके के कोई इंतजाम पुलिस ने किए हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर जो रैली है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। सिर्फ टीकरी बॉर्डर की अगर बात करें अर्पिता, तो टीकरी बॉर्डर हमने देखा है करीबन 10 किलोमीटर लंबा ये पूरी जो जत्था है वो निकला है आगे, और इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, हाथों में झंडा है, नारे लगा रहे हैं, कोई तस्वीरें ले रहा है। एक ट्रैक्टर में करीबन 7 से 8 लोग सवार हैं और लगातार ये जत्था जो आगे बढ़ रहा है। हालांकि एक बीच का एक पॉइंट चुना गया है जहाँ पर सिंगू बॉर्डर की तरफ से जो किसान आगे बढ़ रहे हैं वो पहुँचेंगे और टीकरी बॉर्डर से जो किसान आगे बढ़ रहे हैं वो पहुँचेंगे। वहाँ पर एक सभा होगी, वहाँ पर उनके नेता जो है उनको संबोधित करेंगे, उनको बताएंगे कि अब तक आंदोलन कैसा रहा और आगे की क्या रूपरेखा होगी। उसके बाद ये वापस अपने अपने बॉर्डर्स पर आ जाएंगे। तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बड़ा हुजूम जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि कल की मीटिंग से पहले एक बड़ा मैसेज देने की उनकी कोशिश थी कि ये मैसेज जाए कि सरकार ये ना समझे कि आंदोलन अब हल्का पड़ गया है, इसलिए किसान जो है इस तरीके की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 26 जनवरी को लेकर भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर इस बीच कोई हल नहीं निकलता है तो 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी है। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अर्पिता कि टीकरी बॉर्डर से जो किसान हैं जो 11 बजे वहाँ से निकले थे अब वो काफ़ी आगे आ चुके हैं और जल्दी उस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के किसान मिलेंगे, वहाँ पर बातचीत होगी। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रही है कि एक्सप्रेसवे की पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की वेस्टर्न को ईस्टर्न से जोड़ता हुआ और यहाँ पर दोनों तरफ की सड़कें बंद हैं। लोगों को परेशानी ज़रूर हुई है, लोग ये कह रहे थे कि सुबह के अब दफ्तर जाना था लेकिन दिक्कत हुई क्योंकि रास्ते पूरे जो वैकल्पिक रास्ते थे वो बंद हो गए थे क्योंकि बॉर्डर पहले से ही बंद है। लेकिन इस वक्त देखिए तो जो किसानों को जो जनता है वो अब लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो यानी देखिए किसान जो है वो अपनी योजना के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो प्रस्तावित था उनका ट्रैक्टर रैली वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग बॉर्डरों पर जो किसान डटे हुए हैं वो अब पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर ही बताया जा रहा है मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है, आगे की रणनीति पर भी चर्चा होनी है। क्योंकि देखिए कल का दिन महत्वपूर्ण है, कल एक बार फिर से 9वीं बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है। सरकार की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है कि यस या नो, हाँ या ना में सिर्फ समाधान नहीं निकल सकता है, अगर संशोधन वो चाहते हैं तो उसके लिए सरकार तैयार है। तो देखिए कड़ी सुरक्षा जगह जगह पर यहाँ की गई है। सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई है। वहीं बुराड़ी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, बैरिकेड लगाकर रास्ते को थोड़ा सा बंद किया गया है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसानों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय देश में किसानों की भलाई के काम नहीं किए गए। पहले कांग्रेस देश को बताए कि कांग्रेस सरकार तो किसानों के साथ है, बार बार सीना ठोक के कह रही है और मजबूती के साथ कह रही है। कांग्रेस किसके साथ है कांग्रेस को अपने पहले बताना पड़ेगा। कांग्रेस दरअसल इस एजिटेशन को जनता के लिए इरिटेशन बनाने की कोशिश कर रही है, और कोई भी एजिटेशन अगर जनता के लिए इरिटेशन बनता है तो अपने जो मूल उद्देश्य है उससे भटक जाता है, और कांग्रेस की कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों को भी इस बात को समझना चाहिए और समझ भी रहे हैं कि ये जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी है इसकी खुद की जमीन ऊसर हो चुकी है। अमित का रुख कर लेते हैं, सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। अमित जरा तस्वीरें दिखाइए, ट्रैक्टर रैली कहां तक पहुंची, कितनी देर में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पहुंचेगी।
जी हाँ, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिंघू बॉर्डर की। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से 10 किलोमीटर से भी लंबा जाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेच यहाँ पर ट्रैक्टर का केवल स्ट्रेच है, यहाँ पर 10 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है। और हम इस वक्त पेरिस पिलर पर अभी भी नहीं पहुँच पाए हैं। पेरिस पिलर पर पहुँचने में वक्त लगेगा, लेकिन डिस्टेंस अगर बात करें तो केवल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जिस तरीके से किसान नेताओं ने दावा किया था 26 जनवरी से पहले ये एक झांकी दिखाई जाएगी, और ठीक वैसा ही तस्वीरें यहाँ पर सिंघू बॉर्डर से देखने को मिल रहा है। 40 जत्थे हैं यहाँ पर, 40 जत्थों की जो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, और जिन गाड़ियों से किसान अपने घरों से आए थे उन गाड़ियों से भी ये ईस्टर्न पेरिफेरल में चढ़ने जा रहे हैं। और टिकरी बॉर्डर से जो किसान जो वहाँ से निकलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल में, जहाँ उनकी मुलाकात होगी वहीं पर दोनों लोग मिलेंगे और उसके बाद सभा होगी। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए जिस तरीके से जो किसान नेताओं ने दावा किया था कि हर बॉर्डर पर एक झांकी दिखाई जाएगी और कल केंद्र सरकार से इनकी बातचीत होगी, बातचीत से पहले ये ट्रैक्टर रैली एक तरह की एक रणनीति मानी जा रही है, दबाव की रणनीति। और अर्पिता देखिए, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन पर। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, कोरोना नियमों पर जताई है चिंता, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है देश की उसको देखते हुए लगातार देखिए 43वां दिन है किसान अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, और उसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और ये कहा है कि जिस तरीके की हालात इस वक्त देश में बने हुए हैं, क्या उसको लेकर इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा रहे वो सही है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए, आपको बता दें किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कोरोना नियमों पर चिंता जताई है। जहां पर नियम ये बनाए गए हैं कि एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, वहीं 43वां दिन है, किसान लगातार अलग अलग बॉर्डरों पर भारी तादाद में डटे हुए हैं। एहतशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। एहतशाम, ना सिर्फ चिंता जताई है बल्कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का, जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिया है, और ये कहा है कि सरकार ये बताए कि जो नियम है कोरोना को लेकर और जो SOPs बनाए गए हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग लगाई रखी जाएगी और मास्क लगाकर लोग रहेंगे, तो ये सारी चीजों का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि अगर हालात को संभाले नहीं गए तो फिर निजामुद्दीन मरकज में जिस तरह के हालात बन गए थे, वैसे हालात किसान आंदोलन में भी जो लोग वहां खड़े हैं उनके साथ हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है, खासतौर पर किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि वहां पर किस तरह के हालात हैं, जमीनी हकीकत क्या है, हमें कुछ नहीं पता, सरकार को ये सारी चीजें कोर्ट को जानकारी देनी चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को इस पर जवाब देने के लिए कहा है। जवाब सरकार को कब तक देना है? देखिए इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन आमतौर पे एक हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते का समय होता है जिसमें सरकार को ये जवाब दाखिल करना होगा और बताना होगा कि जो नियम है उसके उसका पालन हो रहा है या नहीं, और किस तरह के हालात हैं, इस पर पूरा ब्यौरा अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। जी ठीक है, तो शाम नजर बनाए रखिए। देखिए इस तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट भी अब इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रही है कि आखिरकार किसान जो बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर उनमें क्या कोरोना के जो नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे मास्क लगाना, ये फॉलो हो रहा है, इसका जवाब केंद्र सरकार को जल्द ही देना होगा। इस बीच आज किसान जो है वो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से अमित का रुख कर लेते हैं, सिंघू बॉर्डर पर है। अमित, हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में वहां ट्रैक्टर जुटे हुए हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ सिंघू बॉर्डर की। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए हर तरफ जो है केवल और केवल आपको ट्रैक्टर दिखेंगे, और जिस तरीके से किसान नेताओं ने दावा किया था कि 26 जनवरी से पहले एक झांकी वो दिखाएंगे, और वही झांकी यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली के जरिए दिखाया यहाँ पर जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, अभी भी हम जो है वो पेरिफेरल पर नहीं पहुँच पाए, हालांकि पेरिफेरल महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर अर्पिता दिखाना चाहूँगा, दोनों तरफ ये 6 लेन सड़क है, और दोनों तरफ 6 लेन सड़क में हर तरफ आपको केवल ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखेगी। यहाँ से कल जो बैठक होने वाली है केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच, उस बैठक से पहले ये ट्रैक्टर रॉली ट्रॉली जो है वो एक दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो यहाँ पर नेता देख रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए पूरे जहाँ भी आपको दिखेगा केवल किसान ही किसान दिखेंगे, किसानों के ट्रैक्टर दिखेंगे यहाँ पर,
तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल किसान ही किसान और यहाँ पर लगातार जो किसान है यहाँ पर लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो ये काफिला है ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काफिला आगे बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली का जो स्ट्रेच है वो 10 किलोमीटर से भी लंबा है अर्पिता, और इसी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्लो है। आम लोगों के लिए आज एक तरफ का पेरिफेरल बंद कर दिया गया है अर्पिता, और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लगातार ये ट्रैक्टर ट्रॉली आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ और ये जो काफिला है ये आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ। किसान नेताओं ने जिस तरीके से दावा किया था कि ये एक झांकी होगी 26 जनवरी से पहले, और कल जो बैठक होने वाली है केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच, ये एक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, किसान नेताओं का दबाव बनाने की रणनीति। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक बार जब बैठक हुई थी तो भारत बंद का आह्वान किया गया था, और आज जो ये रैली है ठीक उसी तरीके की रणनीति यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए हर तरफ जिधर भी आप कैमरे की लेंस से देखेंगे अर्पिता, हर तरफ आपको केवल और केवल ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर दिखेगी, और ये 10 किलोमीटर से लंबा स्ट्रेच है ट्रैक्टरों का। लोग केवल इस काफिले में ट्रैक्टर ही नहीं है, ट्रैक्टर के अलावा अगर हम बात करें गाड़ियाँ भी है, कार है, बाइक है। जो किसान अपने घरों से जिस तरीके से आए थे, चाहे वो बाइक से चाहे वो कार से, वो उसी तरीके से इस रैली में शामिल हो रहे हैं। और ये रैली अब सुबह एक घंटे पहले सिंघू बॉर्डर से निकला है, लेकिन अभी तक पेरिफेरल पर नहीं पहुंच पाया। सिंघू बॉर्डर और पेरिफेरल का अगर डिस्टेंस अगर हम बात करें 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है एक घंटे में भी तय नहीं हो पाया है। वजह यह है क्योंकि ये जो रैली का स्ट्रेच है, ये जो ट्रैक्टरों का स्ट्रेच है, वो 10 किलोमीटर से भी लंबा है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें देखिए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेताओं ने जिस तरीके से, किसान नेताओं ने जिस तरीके से दावा किया, ठीक है, यानी देखिए जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि जैसे मरकज जैसे हालात यहां ना हो जाएं, क्योंकि बॉर्डरों पर लगातार किसान डटे हुए हैं, क्या कोरोना के जो नियम है उनका पालन वहां पर हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल, और इसको लेकर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन जो है वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 43वां दिन है, कल 9वें दौर की बातचीत होनी है सरकार और किसान के बीच। हम ऐसा तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्योंकि आज ट्रैक्टर रैली यहां किसानों के द्वारा निकाली जा रही है। दीपक जरा तस्वीरें दिखाइए, टिकरी बॉर्डर में है। अर्पिता देखिए टिकरी बॉर्डर से आगे बढ़ चुका है, काफी आगे बढ़ चुका है ये पूरा जत्था, और जो तमाम ट्रैक्टर्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। करीबन 10 किलोमीटर का जो क्रॉस कर चुके हैं, 10 किलोमीटर की सड़क क्रॉस कर चुके हैं, से आगे भी इनको जाना है। बताया जा रहा है कि 15-20 किलोमीटर अभी और आगे जाना होगा, क्योंकि बीच का वो पॉइंट जो है यहाँ से काफ़ी आगे है। लेकिन जो लगातार जो ट्रैक्टर्स हैं वो लगातार दिखा रहे हैं, और ट्रैक्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैक्टर्स ही नहीं है, उसके साथ मोटर बाइक भी है, दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, उनमें सवार किसान भी हैं, और ये देखिए सिर्फ युवा नहीं है, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं। तो जिस तरीके से किसान नेताओं ने कहा था कि लगातार ये मैसेज पहचाने की कोशिश है सरकार तक, कि अगर सरकार बात नहीं सुनती तो इस तरीके से वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, और वही तरह का दबाव जो है वो बनाते हुए इस वक्त किसान नजर आ रहे हैं। ये देखिए पूरा जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों ही इस वक्त ट्रैक्टर से पटा पड़ा है। ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे, ये तमाम किसान नजर आएंगे जिन्होंने आज रैली का आह्वान किया था। अब इस बात को लेकर चर्चा है कि कल जो मीटिंग होनी है उसमें क्या इसका दबाव कितना सा इसका दिखाता है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि वो हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि जिससे कि सरकार तक वो अपनी बात साफ तौर पर रख सके। किसान नेताओं ने कहा है कि बार बार मीटिंग में एक बात कहते हैं कि वो लगातार अलग अलग तरीके से प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो समझे कि अलग अलग राज्य के जो किसान हैं वो जुटते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में एक इसका बड़ा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है कि जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अभी भी बड़ी तादाद में बॉर्डर पर तैनात हैं, और अगर 26 जनवरी से पहले बात नहीं सुनी गई तो फिर दिल्ली कूच की तैयारी रहेगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किसान जो है वो इस वक्त ट्रैक्टरों पर सवार है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई लटक के जा रहा है, लेकिन सबको आगे बढ़ना है। जब उनसे पूछा जाता है कि इसमें दिक्कत भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है, उनका कहना है कि 1.5 महीने से परेशानी झेल रहे हैं, ऐसे में वो आप ये बात आगे रखेंगे। तो ट्रैक्टर काफ़ी तेज़ी से, देखिए कितनी तेज़ी से जो है वो तमाम ट्रैक्टर अब आगे बढ़ रहे हैं। करीबन
10 किलोमीटर से लंबा ये पूरा ट्रैक्टर का जत्था है और ये अब लगातार आगे बढ़ रहा है। करीबन 10 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं, अभी 10-15 किलोमीटर की दूरी और ज़्यादा तय करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो पॉइंट बनाया गया है वो काफ़ी दूरी पर है, जहाँ पर सिंघू बॉर्डर के भी जो किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग बॉर्डर से किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली से, देखिए बुजुर्ग बैठे हुए हैं ट्रॉली के पीछे। ठीक है दीपक, रहिए जरा साथ। देखिए दिल्ली के पास गाजियाबाद प्रशासन ने पूरी निष्पक्ष नजर बनाए हुए हैं। गाजियाबाद के डीएम ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली से लोगों को दिक्कत ना हो। पूरी व्यवस्था देखने के लिए हम लोग हैं, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना न होने पाए और किसी तरह की पब्लिक को इनकन्वीनियंस न होने पाए, ये सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसको कोई बहुत फ्लैग किया जाए, और शांति के साथ चल रहा है। प्रियंका का रुख भी कर लेते हैं, प्रियंका गाजीपुर में है। प्रियंका, जिस तरीके से ये इंश्योर किया जा रहा है कि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन लंबा जाम हमने देखा था थोड़ी देर पहले वहां पर लगा हुआ था, फिलहाल क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो तमाम ट्रैक्टर रैली है वो ईस्टर्न पेरिफेरल में पहुंच गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फिलहाल सारे जो ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर खड़े हो गए हैं, गाजीपुर से डासना की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे में ये ईस्टर्न पेरिफेरल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सारे ट्रैक्टर्स को फिलहाल रोक लिया गया है। आगे की रणनीति पर बात हो रही है, बताया जा रहा है कि कुछ ही लोग हैं जो आगे की तरफ पलवल की तरफ बढ़ेंगे और बाकी लोग डासना से वापस आएंगे। हालांकि अभी डासना नहीं पहुंचे हैं और पहले एक ब्रेक यहाँ पर लिया जा रहा है, जहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल जो है जो फिलहाल सिर्फ ट्रैक्टरों से भरा हुआ है। यहाँ पीछे से लेकर आगे तक की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, तो आप देखेंगे कि तमाम ट्रैक्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर किसान रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ से डासना बढ़ना है और डासना के बाद इन किसानों ने वापस अपने मोर्चे पर जाना है, जहाँ पर लगातार कुछ दिनों से पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। तो फिलहाल की तस्वीरें यही है कि ईस्टर्न पेरिफेरियल पे किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है वो फिलहाल यहाँ पर है। यहाँ पर इन्होंने एक ब्रेक लिया है। आगे राकेश टिकैत जो नेता है वो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से 40-50 लोगों को लेकर वो आगे की तरफ बढ़ेंगे और बाकी जो तमाम किसान हैं वो देखिए यहाँ पर जो ट्रैक्टर रैली है उसको ईस्टर्न पेरिफेरल पहुंचना था, वहां पर ही पहुंचकर आगे की रणनीति तय हो रही है और अब ये तय हो रहा है कि कल होने वाली बातचीत को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। जरा अलग अलग बॉर्डरों की तस्वीर देख लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर में क्या हालात, वहां पर ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, ट्रैक्टर में सवार तमाम किसान नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर टिकरी बॉर्डर से भी, सिंघू बॉर्डर से भी, पलवल और बहादुरगढ़ से सामने आई, जहां पर अलग अलग जगहों से ट्रैक्टर में सवार होकर किसान पहुंच रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि अब सारे किसान उनके समर्थन में उतर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ अपनी ताकत दिखाने की ही कोशिश किसानों की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि कल बातचीत होनी है, वो बातचीत के लिए जाएंगे और कोशिश उनकी होगी कि सरकार उनकी बात मान जाए, लेकिन एक दबाव बनाने की यहाँ पर जरूरत वो महसूस कर रहे थे और इसीलिए देखिए ट्रैक्टर रैली किसानों के द्वारा निकाली जा रही है। उधर अमेरिकी संसद में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हंगामे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने लोकतंत्र की हर मर्यादा हर सीमा को तोड़ दिया और अमेरिकी संसद के भीतर घुसकर हिंसा और हंगामे का खुला तांडव किया। अमेरिका में शर्मसार होते लोकतंत्र की ये तस्वीर आज पूरा विश्व देख रहा है। इन तस्वीरों ने सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा को न सिर्फ चोट पहुंचाई है, बल्कि पूरी दुनिया में उसे शर्मसार कर दिया और ये करतूत की है अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उत्पाती समर्थकों ने। वैसे तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। ट्रंप समर्थक उनकी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आए दिन हंगामा कर रहे हैं। आज ही अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मोहर लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसमें खलल पड़ गई। अमेरिकी संसद के बाहर सैकड़ों की संख्या में ट्रंप के समर्थक जमा हुए और बाइडेन की जीत का विरोध करने लगे। वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी करनी पड़ी, लेकिन ट्रंप के समर्थक संसद भवन के अंदर तक घुस गए, जिसके बाद वहां चल रही कार्रवाई को रोक दिया। वहां मौजूद सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर है कि संसद के अंदर गोलीबारी भी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, जबकि मारपीट में 14 सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। काफी देर तक ट्रंप समर्थक संसद के अंदर ऐसे ही हुड़दंग करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। सुरक्षा बल ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया और ट्रंप के समर्थकों को संसद से बाहर निकाला। कई घंटे बाद जब भीतर का माहौल ठीक हुआ, तब जाकर अमेरिकी संसद की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो पाई। सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा करने के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया।
इस बीच पीएम मोदी ने भी वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और दंगे की खबर पर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में दंगे और हिंसा की खबर सुनकर परेशान हूं। सत्ता का हस्तांतरण क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध के जरिए विकृत नहीं होने दिया जा सकता। अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मोहर लगने से पहले ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। काफी तादाद में ट्रंप समर्थक संसद के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो बाइडेन की जीत का विरोध शुरू कर दिया। खबर है कि हंगामा कर रहे लोग संसद के अंदर भी दाखिल हुए। संसद के अंदर गोलाबारी हुई और एक महिला की मौत की खबर भी आई। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों के इस विरोध को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विद्रोह बताया। बाइडेन ने कहा, अमेरिका में अब ये खत्म होना चाहिए। Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America. Do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. वहीं प्रियंका गांधी ने अमेरिका में जारी हिंसा पर दुख जताया, ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि अमेरिका से काफी परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। लोकतंत्र और स्वतंत्रता अमेरिका की महानता की पहचान है, पूरी दुनिया देख रही है। उम्मीद है कि अमेरिकी लोग अपने राष्ट्र की गरिमा बनाए रखें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शांति से चलने दें। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे के बाद ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए जबकि इंस्टाग्राम ने 24 घंटों के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा ट्रंप के कई ट्वीट्स भी ट्विटर की तरफ से हटा दिए गए और यह बताया गया कि उनका ट्वीट भड़काऊ था, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई। यही नहीं, फेसबुक ने भी 24 घंटे के लिए ट्रंप की किसी भी पोस्ट पर रोक लगा दी। इसका मतलब ये कि ट्रंप अब 24 घंटों तक फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी ट्रंप समर्थकों के हंगामे और बवाल की कड़ी आलोचना की। पेंस ने ट्रंप को फटकार लगाने वाले अंदाज में कहा कि हिंसा की कभी भी जीत नहीं हो सकती। And we will always be grateful. The men and women who stayed at their posts to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के को एक और बड़ा झटका लगा है। व्हाइट हाउस की डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज ने इस्तीफा दे दिया। सारा ने ट्रंप समर्थकों की पुलिस से झड़प की खबरों के बीच ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दिया। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस काले दिन को दुनिया याद रखेगी। वी विल बी पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री दैट शोज़ द वर्ल्ड व्हाट अमेरिका इज मेड ऑफ दैट दीस This assault is just that. It shows the weakness of those who had to show through violence what their message was. वॉशिंगटन डीसी में हुई हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और ट्वीट किया कि नहीं, शांतिपूर्ण विरोध देशभक्ति नहीं है, हिंसा अस्वीकार्य है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी अमेरिका में हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अमेरिका में जिस प्रकार से कैपिटोल हिल पर हिंसा हुई, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रजातंत्र में सरकारें जनता के वोट से निकलती हैं, चुनी जाती हैं, मोबोक्रेसी से नहीं, भीड़ तंत्र से नहीं। भीड़ तंत्र प्रजातंत्र से बड़ा नहीं हो सकता। प्रजातंत्र ही सर्वोच्च है, संवैधानिक मूल्य ही सर्वोच्च हैं,
संवैधानिक प्रक्रिया ही सबसे सर्वोच्च है। डोनाल्ड ट्रंप के हुड़दंगी समर्थक जब अमेरिकी संसद के भीतर घुसे तो उन्होंने सदन की हर मर्यादा ताक पर रख दी और हंगामे पर उतर आए। अजीब तरह के कपड़े पहने एक उत्पाती समर्थक तो सदन के स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गया और तस्वीरें खिंचाने लगा। इन उत्पाती समर्थकों ने सदन के अंदर भी काफी उछल कूद मचाई और ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। ट्रंप समर्थक नहीं चाहते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।